एट सेक्सुअल मीथ्स यू मस्ट नो। चलिए कुछ मीथ्स को समझते हैं और फिजिकल रिलेशनशिप के रिलेटेड इस अंधकार को मिटाते हैं। नंबर वन, सेक्सुअल डिजायर एंड प्लीजर आर ओनली फॉर मेन। ये मिथ्या है कि मेन आर द ओनली वंस जिन्हें सेक्सुअल डिजायर होता है एंड सेक्सुअल प्लीजर का नीड है और वोमेन को ये सब नहीं चाहिए। बोथ सेक्स को लेके इनएक्टिव, पैसिव एंड अनइंटरेस्टेड रहते हैं। याद रखें ये एक मीथ यानी मिथ्या है और इसके कारण ज्यादातर हस्बैंड एक मिस्टेक कर बैठते हैं। वो अपने वाइफ के सेक्सुअल नीड्स एंड डिजायर को समझते नहीं है या समझने का कोशिश नहीं करते हैं, कभी वाइफ से इसके रिलेटेड बात ही नहीं करते हैं। क्योंकि वाइफ को सेक्स को लेके कोई इंटरेस्ट नहीं होता ये मानकर वो अपना करके निकल जाते हैं। याद रखिए बोथ मेन एंड वोमेन हैव सेक्सुअल नीड्स एंड डिजायर्स। नंबर टू, सेक्स इज ओनली फॉर प्रोक्रिएशन। अनदर कॉमन मीथ है सेक्स सिर्फ बच्चा पैदा के लिए है एंड नॉट फॉर प्लीजर और इंटीमेसी। और इसी मिथ्या के वजह से पार्टनर्स एक सेक्सुअल फुलफिलमेंट लाइफ को इग्नोर कर देते हैं जो मैरिज लाइफ का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उन्हें पता ही नहीं होता है कि इसके कारण वो अपने मैरिज में कितना डिससैटिस्फाइड एंड डिसकनेक्टेड फील करते हैं। याद रखें सेक्स इज क्रूशियल फॉर मैरिज, फॉर योर ओवरऑल हैप्पीनेस, इट मेक्स योर मैरिज हैप्पी। नंबर थ्री, सेक्स इज डर्टी और शेमफुल। मेनी कपल्स इन इंडिया बिलीव सेक्स इज डर्टी और शेमफुल, इसीलिए इसको लेके बात जितना काम हो उतना अच्छा है। वो सेक्स को लेके ऐसा डील करते हैं जैसे वो कोई चोरी कर रहे हैं। कई बार इसी मिथ के वजह से कई बार स्पाउस एक गिल्ट एंड शेम फील करते हैं जब सेक्स के बारे में बात होती है। वो सेक्स को कम्प्लीटली एंजॉय नहीं कर पाते और अपना कम्प्लीट इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाते, और ये पर्याप्त है सेक्स लाइफ को खत्म करने के लिए। याद रखिए सेक्स कोई बुरा काम या शर्म करने वाली चीज नहीं है। ये दो इंसान के बीच का वो संपर्क है, वो संगम है जो एक दूसरे को एक बनाता है साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली। नंबर फोर, मेन शुड ऑलवेज इनिशिएट सेक्स। कुछ लोग आज भी मानते हैं मेन शुड ऑलवेज पे इवन इफ वाइव्स अर्न मोर देन देयर हस्बैंड। सिमिलरली सेक्स को लेके ये एक मीथ है कि मेन शुड ऑलवेज इनिशिएट सेक्स और वुमेन शुड बी पैसिव एंड वेट टू बी अप्रोच्ड और परसुएडेड। कुछ वुमेन और भी दो कदम आगे चले जाते हैं, जब तक हस्बैंड परसुएड ना करे तब तक सेक्स के लिए ना करते रहना, वो एक अलग मजा है। लेकिन अगर फीमेल कभी भी सेक्स के लिए इनिशिएट नहीं करते हैं और ये मानते हैं कि ये सिर्फ मेल का काम है तो मैरिज में और सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए दोनों को बराबर का प्रयत्न करना है, इनिशिएट करना है, एक हैप्पी मैरिज के लिए ये जरूरी है। नंबर फाइव, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आर ए साइन ऑफ वीकनेस। मेनी कपल्स बिलीव अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लो लिबिडो तो वो एक साइन है उनका वीकनेस का और वो एक फेल्योर है। फिर उन्हें गिल्ट खा जाता है और वो कभी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम को सही से सॉल्व नहीं करते, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। गिल्ट, रिग्रेट एंड फियर ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स को और भी बड़ा कर देता है। वो कभी भी सही हेल्प, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और इसे छुपाना और अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसे नॉर्मली डील करना चाहिए जैसे हम दूसरे प्रॉब्लम्स और बीमारी को डील करते हैं। नंबर सिक्स, सेक्स शुड ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस। ये और एक बड़ा गलती है मैक्सिमम इंडियन कपल करते हैं और मानते हैं सेक्स अपने आप एक स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल वे में होना चाहिए। इसके लिए कोई प्लानिंग, कोई शेड्यूलिंग नहीं होना चाहिए। अगर हो तो फिर वो फिजिकल इंटीमेसी अननेचुरल, मैकेनिकल और अनडिजायरेबल हो जाता है। इसी एक गलत फहमी के लिए बहुत सारे कपल कभी अपने सेक्सुअल लाइफ को लेके बात नहीं करते, प्लान नहीं करते, अपने सेक्सुअल डिजायर्स एंड प्रेफरेंस को एक्सप्लोर नहीं करते और एक सेक्सलेस मैरिज जीने लगते हैं। सत्यों को पहचान लीजिए और वो है फिजिकल इंटीमेसी के लिए प्लानिंग, प्रिपरेशन होना जरूरी है। इसे ऑटो पायलट मोड में मत रखिए। नंबर सेवन, वोमेन शुड नॉट एंजॉय सेक्स। हमारे इंडियन कल्चर में ये पाया गया है कि सेक्स एज एन एक्टिविटी नॉट फॉर वोमेन, दे शुड नॉट एंजॉय सेक्स। अगर ऐसा हो तो बड़ा पाप लगेगा, इसलिए अनेक वोमेन अपने सेक्स लाइफ के बारे में कभी बात नहीं करते, चुपचाप एक डिससैटिस्फाइड, डिसकनेक्टेड मैरिज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक हस्बैंड को इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं पता चलता।
नंबर 8, मेन शुड डोमिनेट सेक्स। ये थोड़ा ज्यादा ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स मिथ है, लेकिन आज भी कई कपल्स इसको मानते हैं। बेडरूम में फिजिकल इंटीमेसी में हस्बैंड शुड डोमिनेट। सिर्फ उन्हीं की प्रेफरेंस को माना जाता है, सिर्फ वो डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वाइफ को इसके बारे में सिर्फ एक्सेप्ट, कंप्रोमाइज, एडजस्ट, सबमिसिव एंड कोऑपरेट करनी ही होगी। लेकिन सत्य क्या है? फिजिकल इंटीमेसी में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बराबर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, नहीं तो फिजिकल इंटीमेसी सिर्फ एक एक्सरसाइज या एक्टिविटी बन के रह जाएगी, एक के लिए प्लेजरेबल और दूसरे के लिए गेटिंग यूज्ड हो जाएगी। लास्टली फ्यू मोर मिथ्स, जैसे मास्टरबेशन इज हार्मफुल एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय ओनली मेडिकेशन। ऐसे नहीं होता, अनेक बार अंडरलाइंग इमोशनल एंड रिलेशनल फैक्टर्स के कारण कपल्स के सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको कपल थेरेपी में सॉल्व किया जा सकता है। ये सारे थी फिजिकल इंटीमेसी को लेके कुछ मिथ्स। आशा करता हूँ ये सब जानने के बाद इस मिथ्स को तोड़ पाएंगे और अपना जीवन में सत्य को फॉलो कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट नोटिस, ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप मेक मैरिज हैप्पी एंड डाउनलोड माई मिथ्स लिस्ट एंड एक्शन प्लान टू डील विथ इट।